हेलो दोस्तों, लव गुरु के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज का पहला सवाल है सपना का। कहती हैं, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझसे बात भी नहीं करता। अब मैं जब उसे फ़ोन करती हूँ तो वो मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं करता है, ना ही मिलता है कहीं। कुछ लोग, मेरी दोस्तों ने बताया कि वो किसी और लड़की के साथ घूमता है कहीं, और किसी और लड़की के से प्यार करने लगा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही कि इतने दिन उसने मुझसे प्यार किया और अब वो मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सपना जी, पहले तो आपको उस लड़के के बारे में पता करना चाहिए कि जो लड़के या जो दोस्त आपकी सहेलियाँ बता रही हैं वो सही है कि ये गलत है। और अगर ऐसा है तो आपको, अगर आपको लगता है कि वो किसी और से प्यार कर रहा है, किसी और के साथ घूम रहा है, तो ऐसे लड़के से तो दूरी रहना ठीक है, क्योंकि आज वो आपको छोड़ के उसके पास गया, कल उसको छोड़ के किसी और के पास जाएगा, और आप ज़बरदस्ती उससे रिश्ता बनाती भी हो या उसे अपने प्यार की तरफ वापस भी लेके आती हो, तो कोई भरोसा नहीं कि वो दोबारा फिर ना छोड़ के ऐसे करे। तो आप पहले जान लीजिए कि सही क्या है, सच क्या। हो सकता है कभी कभी फ़ोन कॉन्टेक्ट किसी वजह से नहीं हो पाता है, कभी फ़ोन ख़राब हो जाता है या नंबर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप पहले क्लियर हो जाइए कि आखिर बात क्या है। आज का दूसरा सवाल है सोनू का। कहते हैं, लव गुरुजी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। 2 साल पहले हमारी मुलाकात अचानक एक स्टेशन पे हुई थी, और जब से मैं उनसे अक्सर मिलता रहता हूँ, अक्सर बात होती हैं, हम एक साथ घूमने भी जाते हैं, लेकिन वो अदर कास्ट की है और हम दूसरे कास्ट के हैं, तो परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ उस लड़की से कि चलो हम लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट में जाके मैरिज कर लेते हैं, लेकिन लड़की तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपना प्यार छोड़ दूँ या फिर कुछ आगे करूँ। तो सोनू जी, आपकी समस्या समझ रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि परिवार वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, या आपके परिवार वाले या लड़की के परिवार वाले, ये मैं नहीं समझ पाई, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि परिवार वाले नहीं मानेंगे, किसी हाल में नहीं मानेंगे, तो आप लोग स्वतंत्र हैं, बालिग हैं, तो आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप सबसे पहले परिवार वालों से मिलकर बात करिए, कोशिश करिए, और हो सकता है कि परिवार वाले मान जाएं। अभी कुछ जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो समाज की रीति रिवाज हैं, उसमें अदर कास्ट में शादी करने में अभी भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग कर नहीं रहे हैं, लोग शादियाँ अदर कास्ट में हो भी रही हैं और अच्छी खुशहाल ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है कि आपका प्यार आपको मिले और आपकी आपका प्यार आगे तक चले। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपके मन में भी है कोई सवाल लव से जुड़ा, रिश्ते से जुड़ा, तो हमें लिख भेजें। हमारी मेल आईडी है kabalaheria@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821382999। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।